तो जी अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, सीन कुछ ऐसे हैं कि भाई अभी तकरीबन 1:30 हो रहे होंगे, तो मैं अभी उठाऊँ, मेरी आवाज़ इसीलिए चेंज है। तो अभी मैं कर रहा था नाश्ता, हमसे पहले ये मक्खियाँ आ जाती हैं, तो अभी मुझे गर्म करनी है। इसको इग्नोर कीजिए कि गंदा हो गया ये, तो अभी मुझे चाय गर्म करनी है। उसके बाद काफले के लिए कपड़े इस्त्री करने हैं बहुत सारे, तो अभी मैं एक कपड़े इस्त्री करी क्योंकि हमने 4 बजे निकलना है और 2 घंटे में मुझे इस ब्लॉग के 2 पार्ट बनाने हैं किसी भी तरह। तो अभी देखते हैं क्या सीन, इसीलिए मैंने जल्दी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो अभी चाय गर्म कर लूँ और नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो ये खवातीन हज़रात, इस गंद को सबसे पहले इग्नोर कीजिएगा, गंद नहीं है, कपड़े हैं जो इस्त्री करने। मेरे सूट में रब्बू का, अहमद रज़ा का, हसन ने अपना एक कर लिया, एक रहता है। तो मैंने बोला नाश्ता में पूरा तो रोज़ाना वही खाते हैं, तो ये थैलियाँ भी अंदर पड़ी हुई हैं, यानी पापे होते हैं इसके अंदर। डबल रोटी जो होती है वो होती है ब्रेड, और ये कड़क बन जो होता है ये खा रहे। जब भी ये आता हमारे घर में तो मैं यही खाता हूँ नाश्ते में। बाकी मक्खन है और जैम है, चाय है, ये बच गई थोड़ी थोड़ी सी, इसमें डाल दी। ये अहमद रजा की, वो खुद पता नहीं किधर है। तो अभी हम नाश्ता कर लें साथ में, हम अभी पीपल को देख लें, फिर उसके बाद कपड़ा इस्त्री करना है, फिर इंशाल्लाह उसके बाद मिलते हैं। तो भैया जी, खाली आपके भाई ने 2 सूट इस्त्री किए और मेरे टांगों ने जवाब दे दिया, क्योंकि वो जैसे खाना खाने बैठता है ना सुनना, तो जैसे यानी एक बिछा के और एक खड़ी करके टांग, वैसे बैठ के मैं कपड़े इस्त्री करता हूँ। हालत टाइट हो गई भाई, मेरी टांगे ऐसे जैसे है नहीं भाई, और ऊपर से बारिश हो रही है, मुझे तार भी निकलनी है। देखे पानी कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। सब सीन ये है कि 2 सूट इस्त्री किए, तो अगर मैं 2 दिन ही बचे हैं, आज पहला दिन तो स्टार्ट हो गया काफले का, काफले वाले चले गए, हम जा रहे हैं बाद। सीन ये है भाई, अब क्या मुझे ब्लॉग भी खींचना पड़ेगा जितना लंबा खींचना है मैंने, यानी मैं तकरीबन अगर 17 मिनट भी 18 मिनट का भी बना रहा हूँ, या 9 मिनट के 2 हिस्से करने, तो क्या जो कल पीर को भी अपलोड हो जाए, फिर मंगल को, फिर बुध को मैंने जो चैलेंज किया वो अपलोड हो जाएगा। तो सीन ये है, जो रात को हम आपको वहाँ के मीरपुर खास की कुछ चीज़ें भी दिखाएंगे और घर पे भी, यानी वापसी तक का सफ़र दिखाएंगे आपको। तो अभी सीन ये है कि भाई 3 बज गए हैं और मुझे नहाना भी है, और ये बाकी सब लोग देखते हैं क्या सीन करना। और टाइम टाइमलेस इसीलिए बिल्कुल ख़त्म हो गए थे कि कॉल आ रही थी मेरे को, कितनी तैयारी थी, हमने कहा अभी तो हम कपड़े इस्त्री करते हैं भाई। और भाई बारिश ने सही जोर दिया हुआ टायर वाला, अभी थोड़ी स्लो हो गई है, नहीं तो जो है ना तेज़ हो रही थी। ये इसके भी छींटे आ रहे हैं और बारिश भी अलग से हो रही है। तो अभी सीन ये है कि भाई मैं ज़रा वॉशरूम से भी बोलूँ, और थोड़े वो काम है, वो काम क्या है कि मुझे साथ साथ वीडियो एडिट करनी है, तो एडिट नहीं करा तो आप तक ब्लॉग सही से नहीं पहुँच पाएगा, तो मैं वहाँ जाके नहीं करना चाहता आपको। एक अल्लाह की राह में जा रहा हूँ और मैं ये काम सुनने रखी, ऐसा बनाए के लिए मैं बैकअप बना के जा रहा हूँ। तो सीन ये है भाई,
बारिश को देख देख के दिल कर रहा है नहाने का, लेकिन हम वॉशरूम में नहाएंगे। हमारे कभी नहीं है, दो सूट इस्त्री हो गए, अभी इनमें से ये ब्लू वाला जो सूट है इसको मैं पहनूंगा, गंदा गंदा नहीं लग रहा है। देखो ब्लू वाले सूट को मैं पहनूंगा अभी, और ये कल तक चलेगा, उसके बाद फिर परसों जब वापसी आ जाऊँगा तब मैं नीचे जो हमारा पर्पल वाला सूट है ये ईद वाला ये पहनूंगा। तभी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी। तो भैया जी अभी मैंने मम्मा से पूछा कि यहाँ पर दो सूट बहुत है ना, तो उन्होंने कहा दो सूट तो बहुत है, तो अब ये सूट पड़े हैं अहमद रजा का और बाबा जानी का। तो सही है कि भाई 3-5 तो हो चुके हैं, मैं जाके ज़रा नहाता हूँ, रेस्ट होता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ और साथ साथ वीडियो भी एडिट करेंगे ताकि पता चले कितने मिनट का ब्लॉग बन चुका है। आदत खाएँ भाई लंबी गर्मी कुटेगी हमें, बाकी जो है बारिश थोड़ी सी स्लो हो चुकी है। देखें भाई अब सीन है कि मैं फ्रेश हो गया, बाकी एक हफ्ते देखते हैं भाई, इसलिए होंगे तो कल लूँगा नहीं तो हिम्मत चाहिए भाई तो फ्रेश करने के लिए। आप लोगों से थोड़ी सी सुबह जी अभी अभी खबर मिली है कि हमें मेरे अब्बू को तकरीबन आते आते मगरिब हो जाएगी, तो मगरिब का सीन ये है कि भाई अब हम कपड़े अभी थोड़ी देर बाद पहनेंगे, उतनी देर तक मैं थोड़ा काम कर रहा था। और एक और चीज़ के कोई हमारा जो मेन होल होता है यानी गटर होता है, हमने कुछ टाइम पहले उस पर शेल्फ रखी थी, अच्छी तरह उस पर सीमेंट लगाया था ताकि वो मोटी वाली शेल्फ थी ताकि कोई तोड़े ना, तो वो पूरा हमारे मेन होल में गिर गई है यानी टूट गया गटर, छोटा सा होल है। तो अब ये नहीं समझ आ रहा किसने तोड़ा है, हमारी गाड़ी तो नहीं, जब मेरे अब्बू गए तब तक जो है सही था, हम ये बता रही हैं, तो पता नहीं किसने तोड़ा है। अब वो कचरे वाले अंकल आएंगे तो वो उनसे कहेंगे कि ये सारे जो ये निकाल दें अपना यार, ये जो अंदर शेल्फ वगैरह गिर गई है सीमेंट है ये वो, तो निकाल दें फिर उसके बाद देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हम हमारे पास एक वो लकड़ी का फट्टा पड़ा वो डाल देंगे उसके ऊपर रख देंगे, ताकि ये मैं क्या बातें बता रहा हूँ यार। तो अच्छा भाई सीन ये है कि बारिश तो बंद हो चुकी है लेकिन कराची का मौसम माशाल्लाह काफ़ी सीन हो चुका है। तो भैया सीन ये है कि हमने करनी है लंबी, हमारे कपड़े वहीं वहीं पड़े हैं, अब्बू वाले जो हैं वो बाद में इस्त्री करूँगा, क्योंकि आपके भाई की ना हालत टाइट हो गई थी, मैंने अहमद रजा के बस जैसे तैसे हो रहे थे कपड़े इस्त्री कर दिए, एक ही सूट एक उसका भी धुल रहा था। तो अभी सीन ये है कि मैं थोड़ी देर बाद आपको फ्रेश होकर मिलता हूँ, ताकि और साथ साथ ब्लॉग भी एडिट करना है, तो मिलते हैं आप लोगों से हम थोड़ी सी देर। तो भैया जी सीन ये है कि आज हमारे घर पे बनी है बिरयानी, तैयार हो रही है रेडी, दम लगा हुआ इसको और साथ में ये ज़रदा। भैया अभी सीन ये है कि मैं साथ साथ ब्लॉग एडिट करने लगा हूँ, तो देखते हैं कितने मिनट का, अगर जो मैंने मिनट मेरे को जितने चाहिए यानी 20 मिनट 15 मिनट जितने भी अगर वो कंप्लीट हो गए तो हम ब्लॉग को यही बैंड कर देंगे।